वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 11 29th ऑफ जुलाई की क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी देखेंगे जिसके अंदर मैथ्स और हिंदी है। सो आइए चलते हैं वर्कशीट की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, और उसके अंडर हम देखने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आइए समझ लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जहां पर एसिड एंड बेस जब मिलते हैं एक सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और साथ में वाटर। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, जो एसिड से मिल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक प्रोड्यूस कर रहा है सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, और साथ में मिल रहा है H2O वाटर। सो ये जो इक्वेशन है ये हमेशा प्रूव रहती है, एसिड जब एक बेस से मिलता है तो एक सॉल्ट प्रोड्यूस करता है और साथ में वाटर। तो एसिड होता क्या है, सारे के सारे एसिड जो है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं जब भी वो वाटर से मिलते हैं, वेयरएज जब भी बेस जो है वाटर से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। और जो बेस जो है सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर उन्हें हम एल्कलाई बोलते हैं। सो आइए चलते हैं, देख लेते हैं इसको मेजर कैसे करा जाता है ऑन अ पीएच स्केल। सो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल डिवाइस करा गया है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि एक सॉल्यूशन एसिड होगा या बेस। सो पहले हम देख लेते हैं पीएच की फुल फॉर्म क्या है। पीएच की फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, या फिर हम और भी इसको और नाम से भी जानते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये एक तरह का स्केल है जिसके जैसे आप यहाँ पे स्केल देख पा रहे हैं, जो 7 होता है उसे कहते हैं न्यूट्रल, जो वाटर आपका होता है जो पीने लायक फ्रेश वाटर होता है वो 7 पे रहता है, जो आपका ब्लड है वो भी आपका 7 के आसपास रहता है, आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसके नीचे अगर जाएं तो इसके नीचे जितने भी पीएच लेवल के सॉल्यूशन मिलते हैं वो सारे के सारे हो जाते हैं एसिडिक, और इसके ऊपर वाले जितने भी हो जाते हैं वो सारे के सारे हो जाते हैं बेस। सो ये चीज आप समझ लें कि अगर पीएच पे उनका लेवल कम आ रहा है 7 से तो इसका मतलब वो एसिडिक है, और 7 से ज्यादा आ रहा है तो वो बेसिक है। जितना 7 के पास होंगे वो वीक एसिड कहलाएंगे, जैसे 6, 5 वीक एसिड हो गया, 8, 9 वीक बेस हो गया। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, जैसे जैसे वो कम होता चला जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। तो आइए समझ लेते हैं और कुछ चीजें। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन हाइड्रोजन आयन्स एंड हाइड्रोक्साइड आयन्स। सो जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। इसका मतलब अगर कोई यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का एग्जांपल दिया, गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, उसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड जो है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। सो आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं एसिड दैट गिव राइज टू मोर हाइड्रोजन आयन्स आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड एसिड दैट हैव लेस हाइड्रोजन आयन आर सेड टू बी वीक एसिड। तो ये तो सारी बात होगी पीएच स्केल के बारे में, और साथ में हमने ये भी जान लिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। यहाँ पर एक टेबल दे रखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है इन्होंने, तो आप इनको भी एक बार रेफर जरूर कर लें। यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हैवियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे हैवियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ पे लेस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट देखें बहुत आसानी से कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बीच में, या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में, तो ये डिफ्रेंशिएट के लिए बहुत अच्छा है। एंड में कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो आपको याद कर लेनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, पूछी जाती हैं। तो ये चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ जल्दी से। क्वेश्चंस बिल्कुल जो हमने अभी समझा है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज फिर दोबारा सुने और खुद अटेम्प्ट करें,
मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, पॉज करके वापस रिवाइंड करके फिर दोबारा देखें। ओके आइए चेक करते हैं कि आंसर्स आपने जो सोचे हैं वो ठीक है कि नहीं। एंड में मैं आपको इसके रिटर्न में सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा ताकि आप उसको आराम से रीड कर सके। आइए पहले समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, तो दो सॉल्यूशंस हैं। पहले सॉल्यूशन का, ए सॉल्यूशन का जो पीएच लेवल है वो 6 है और दूसरे सॉल्यूशन का पीएच लेवल 8 है। तो आपके दिमाग में चलने लग गया होगा ये जो है 7 से कम है, इसका मतलब क्या होगा? एसिड। कौन सा एसिड होगा? वीक एसिड। देखो मैंने क्वेश्चन अभी आगे पढ़ा भी नहीं है, तो मैं पहले अपने दिमाग में थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सॉल्यूशन ए जो है वो वीक एसिड हो गया और सॉल्यूशन बी जो हो गया वो सॉरी वीक एसिड हो गया और सॉल्यूशन बी जो हो गया वो वीक बेस हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने पूछा गया विच ऑफ दीज हैव हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। ओके क्वेश्चन तो पूछ रहा हायर कॉन्सेंट्रेशन, सो हाइड्रोजन आयन जो आपने अभी रिवाइज करा है कि एसिड में हाइड्रोजन आयन मिलता है और इसमें बेस में यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है, तो यहाँ पे आप बताओ कौन सा सॉल्यूशन के अंदर होगा? सॉल्यूशन ए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ए आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर दिया होगा। इन द अबव क्वेश्चन विच वन ऑफ द टू ए एंड बी इज एसिडिक और विच वन इज बेसिक, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ए जो है वो एसिडिक है और जो बी है वो बेसिक हो गया। आगे चलते हैं। फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6, तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क इज 6। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि हल्का सा एसिडिक साइड पे है, बहुत ही कम एसिड है बट है एसिड। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड, तो यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कर्ड बनाते समय यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है मिल्क टू कर्ड। तो मिल्क से कर्ड बनाते समय हम खट्टा लगाते हैं, बेसिकली हम कर्ड ही डालते हैं। तो कर्ड के अंदर एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस जो कि एसिडिक इन नेचर होता है, तो ऑब्वियसली जो एसिड अगर मिक्स करेंगे तो वो एसिड की तरह वो मूव करने लग जाएगा बिकॉज वो खुद भी एक एसिड ही है और कम उसको करने लग जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पीएच विल बी डिक्रीजिंग। ओके क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड टू स्ट्रॉन्ग बेस। तो दो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, उसी तरीके से दो स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे एग्जांपल दे भी रखे हैं। सो प्योर वाटर हैज पीएच ऑफ 7, व्हाट वुड बी इट्स नेचर। ये तो बहुत ही सिंपल सा हो गया, 7 क्या है? एक न्यूट्रल। सो वाटर का जो पीएच है 7 है तो उसका नेचर हो गया न्यूट्रल, ना ही वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक इन नेचर होता है। तो आइए हम आपको इसके सॉल्यूशंस भी यहाँ पर डिस्प्ले पे आपको दिखा देते हैं आपकी रेफरेंस के लिए ताकि आप अपने आंसर्स चेक कर सकें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 है, x माइनस y इक्वल्स टू 1 है। तो जो इसका जो वेरिएबल है वो हमें उसका जो कोफिशियंट है वो हमें सेम रखना होता है, वेरिएबल हो गया चर और उसकी जो आगे वाली जो संख्या है उसको हमें सेम बनाना होता है ताकि वो एलिमिनेट हो सके। तो कोशिश करी जाती है किसी एक को भी आप सेम बना सकते हैं, तो यहाँ पर प्लस और माइनस पहले से ही है तो बहुत आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो 4 लाने के लिए सिर्फ डायरेक्टली तो हम ला नहीं सकते, तो इस पूरी इक्वेशन को, समीकरण को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस समीकरण को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या बन जाएगी। तो पहले वाले में तो कुछ चेंज आएगा नहीं, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4, ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा। अब ये दोनों के दोनों एकदम सेम आ चुके हैं और हमें इसके साइन भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज
फोर माइनस फोर इज़ ज़ीरो, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। तो इसी वजह से इसको विलोपन विधि बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, थ्री प्लस फोर सेवन एक्स, और ये हो गया 14। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सेवन उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 7, एक्स का आंसर आ गया 2। अब इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में, या तो पहली या तो दूसरी में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो दूसरी वाली बहुत ही सिंपल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग इन 2। सो यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब ये 2 उधर जाएगा, सो माइनस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस 2, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, दोनों तरफ का माइनस कट गया, वाई इक्वल्स टू 1। सो हमारा आंसर हो गया, एक्स की वैल्यू हो गई 2 और वाई की वैल्यू हो गई 1। ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई भी देखेंगे आप, यहाँ पे जो y है यहाँ पे 3 है या 9 है, 5, 2, कोई भी सेम नहीं है, तो हमें सेम बनाना पड़ेगा इसको। तो कैसे बनाएंगे, कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करके, या तो x को, या तो y को सेम बना लेते हैं, या तो z को सेम बना लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि 3 और 9 के टेबल में आता है, किस में, 3 में, तो 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मत चेंज कर देना, तो इसको हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। तो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी 3 3 × 9y माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15z इक्वल्स टू 12। तीनों से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। यहाँ पर 9y माइनस 2z इक्वल्स टू 7। अब ये दोनों हो रहे हैं प्लस, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। अब माइनस करेंगे तो हम पूरी इक्वेशन को ही माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो ये विलोप हो गया, विलोपन विधि इसीलिए बोलते हैं इसको। फिर माइनस 15 प्लस 2, माइनस 15 प्लस 2, और ये वाला साइन यूज़ होगा, ये वाला यूज़ नहीं होगा। तो माइनस 15 प्लस 2 कितना हो गया, माइनस 13z इक्वल्स टू, अब ये 12 माइनस 7 कितना हुआ, 5। अब यहाँ पे z की वैल्यू हो गई 5/-13। अब माइनस नीचे नहीं आता, तो हम इसको बीच में डाल देते हैं, -13। तो ये आपका z की वैल्यू आ गई 5/-13। तो अब इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, पहली या दूसरी, जिसमें मर्जी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पुटिंग इन 1। सो किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है, 3y-5z, z की वैल्यू कितनी है, -5/13 इक्वल्स टू 4। अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3y माइनस माइनस हो गया प्लस, 25/13 इक्वल्स टू 4। सो 3y इक्वल्स टू 4-25/13। अब आप इसको एलसीएम भी ले सकते हैं, मैं इसको डायरेक्टली करना पसंद करता हूँ। 3y इक्वल्स टू यहाँ पर 4 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 13, तो कितना इसके अंदर में ऐड करेंगे, 7 और 5 12, सो 12/13, इसको मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 3, और 3 में से और एक माइनस करेंगे 2, और 1/13। I like to do directly without LCM लिए। अगर आपको ये मेथड समझना हो तो मिक्स फ्रैक्शन का लिंक मैं आपको कार्ट में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कैसे मैंने ये इतनी जल्दी बिना LCM लिए कर दिया। सो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल्स टू, इसको अब आप कर सकते हैं 26/27/13 इंटू 1/3। सो y इक्वल्स टू 27, ये कट सकता है, सो 3 × 1, ये कितने पे कट जाएगा, 9 पे। सो आंसर आ जाएगा 9/13।
सो रिड्यूस हो सकता हो तो रिड्यूस आपको कर देना चाहिए. सो वाई की वैल्यू 9/13, जेड की वैल्यू -5/13. थर्ड क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन था, उसकी इक्वेशन दे रखी हैं, तो हम उसको सॉल्व करके आंसर देख लेते हैं. अगर आप सेकंड इक्वेशन देखें, समीकरण देखें, तो इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ इन दोनों में से 50 कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको 50 इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ ताकि इक्वेशन थोड़ी सी हल्की हो जाए. तो यहाँ पर है x+2y=2000. अब 50 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x+2y=2000 / 50. सो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 5 × 1, तो यहाँ पर आया 440. सो इक्वेशन बन गई x+2y=40. इसका मतलब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें या इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, बात एक ही है. तो ज़रा इस इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ फिर दोबारा, ताकि मैं इसको यहीं से ही आगे सॉल्व कर सकूं. अब अगर देखें तो x और x पहले से ही सेम है, उसका जो गुणांक है या कोफिशिएंट जिसे कहते हैं हम, वो पहले से ही 1 है, तो पहले से ही सेम है. तो मुझे सीधा सीधा क्या करना है, एलिमिनेट करना है इसको. तो मैं इसको माइनस कर दूंगा, माइनस माइनस. सो x और x ही कट गया. यहाँ पे 2 − 1y कितना बचा, 1y. और इसको सॉल्व कर देते हैं, 40 − 25 कितना आ जाएगा, 15. सो 1 की ज़रूरत होती नहीं है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 15. सो अगर आप यहाँ पे कॉमन नहीं लेते, सॉल्व नहीं करते, तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो सकता था. खुद आप ट्राई करके देखना. अब इसको मैं पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, पुटिंग इन 1. सो x+y=25. सो x+15 = 25. सो x=25 − 15, x=10. सो आपको दोनों इक्वेशन के जो आंसर हैं वो मिल गए. सो आज की वीडियो में मैथ्स के लिए इतना ही. नेक्स्ट जो वर्कशीट आएगी उसके बारे में हम देखेंगे, उसमें क्या टॉपिक डिस्कस करा गया है. अभी के लिए आप नेक्स्ट जो वर्कशीट है, जो साइंस और हिंदी की, आप उसको देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की वर्कशीट, कार्यपत्रक नंबर 11. आइए पहले इस वर्कशीट को पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है. यह वर्कशीट संदर्भ पाठ 1 बाल गोविंद भगत पर बेस्ड है, जो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है. यह क्षितिज भाग 2 में से है. निम्नलिखित अंश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ है बाल गोविंद भगत. राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत नामक यह पाठ एक रेखा चित्र है. तो रेखा चित्र क्या होता है, आइए वो भी देख लेते हैं. रेखा चित्र गद्य साहित्य की एक विधा है, जिसमें शब्दों के माध्यम से कोई चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है और आपके सम्मुख एक जीवंत चित्र अथवा दृश्य उपस्थित होता है. तो हम शब्दों को इस तरह से लिखते हैं, शब्द ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि कोई एक इमेज, कोई एक पिक्चर, कोई एक चित्र आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाती है. आपको ऐसा, आप उसे इमेजिन कर पाते हैं, आप उसे सोच पाते हैं, इस तरह के शब्द लिखे होते हैं. तो आपको बताना नहीं पड़ता है कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है कि खुद ही आप वो दृश्य इमेजिन कर पाते हैं, वह सोच पाते हैं. जैसे यदि कहा जाए कि एक व्यक्ति जो घुटने तक धोती पहनते हुए गोल गोल चश्मा लगाए, हाथ में लाठी लिए, तेज कदमों से चलता हुआ स्वाधीनता आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, तो आपके सामने एक चित्र साकार हो जाता है महात्मा गांधी का. तो जैसे ही आप ये शब्द पढ़ते हैं, व्यक्ति जो घुटने तक धोती पहने हुए है, गोल गोल चश्मा लगाए है, हाथ में लाठी लिए है और तेज कदमों से चलता हुआ स्वाधीनता आंदोलन की अगुवाई कर रहा है. जैसे ही आप ये शब्द पढ़ते हैं, तो आपके मस्तिष्क में महात्मा गांधी का चित्र साकार होता है. इसी को रेखा चित्र कहते हैं. इसी प्रकार यदि कहा जाए कि दूर दूर तक फैली रेत ही रेत, कोई पेड़ पौधे नहीं सिवाय कुछ कंटीले झाड़ियों के, तो आपके मस्तिष्क में रेगिस्तान का दृश्य साकार हो जाता है.
इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है। तो रेखा चित्र का एक और नाम है, उसे शब्द चित्र भी कहा जाता है। अर्थात शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन जिससे आपके मस्तिष्क में वो जीवंत या साकार लगे, उसे रेखा चित्र या शब्द चित्र कहा जाता है। तो यह जो वर्णन है वह किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, किसी दृश्य का हो सकता है, किसी घटना का हो सकता है। तो इसमें मेन बात यह है कि आपको वो ड्राइंग नहीं करनी है, आपको कुछ दृश्य बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है कि खुद ही ऐसा लगे कि आप जैसे वो लाइव सीन देख रहे हो, लाइव वो इमेज देख रहे हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से बेनीपुरी जी ने भी एक विलक्षण व्यक्तित्व का सजीव वर्णन किया है, जो मानवीयता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। तो बेनीपुरी जी भी एक रेखा चित्र उन्होंने लिखा है बाल गोविंद भगत का, और उन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि हम देख पा रहे हैं कि बाल गोविंद भगत मानवीयता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना के एक बहुत बड़े सिंबल थे, बहुत बड़े प्रतीक थे। वे गृहस्थ हैं, किसान हैं, सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी हैं, क्योंकि लोभ, लालच और स्वार्थ से रहित सच्चे इंसान हैं। तो उन्होंने इस तरह से डिस्क्रिप्शन किया है कि हमें पता चल पाता है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ हैं, मतलब उनका परिवार है, वे किसान हैं, वे सन्यासी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें लोभ, लालच और स्वार्थ नहीं है, तो इसलिए सन्यासी कहला सकते हैं। सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों, आडंबर और पाखंड पर प्रहार करते हैं। तो वो समाज की जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो अच्छी रीतियां नहीं है, रूढ़िवादिता जो है समाज की, आडंबरपन और पाखंड जो है, उस पर वह बाल गोविंद भगत प्रहार करते हैं। तो ऐसा रेखा चित्र बेनीपुरी जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है हमारे सामने। अब इसी अंश के ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चन है, आइए वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, रेखा चित्र किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट इसका आंसर है। ये आंसर आपको यहाँ सेकंड लाइन में मिल जाएगा, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको खुद ही मिल जाएगा। रेखा चित्र गद्य साहित्य की एक विधा है, जिसमें शब्दों के माध्यम से कोई चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है और आपके सम्मुख एक जीवंत चित्र अथवा दृश्य उपस्थित होता है। यही आपका उत्तर एक है। अब प्रश्न दो पर चलते हैं। प्रश्न दो है, रेखा चित्र की क्या विशेषता होती है? तो अगर उत्तर दो आप देखना चाहें तो इस अंश में ही वह मौजूद है, यहां पर से आप उत्तर दो ढूंढ सकते हैं। आप अगर उसे लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, रेखा चित्र की विशेषता यह है कि उसे शब्द चित्र भी कहा जाता है। शब्दों के माध्यम से ही रेखा चित्र में किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन ऐसे किया जाता है कि मस्तिष्क में वो जीवंत या साकार लगने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ शब्दों का मैंने हेर फेर किया है, लेकिन मेन कंटेंट यही है। तो आप ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, और वही शब्दों का हेर फेर करके आप इन्हीं सेंटेंसेस को, इन्हीं पंक्तियों को यूज करते हुए उत्तर दो लिख सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न तीन की ओर। प्रश्न तीन कहता है, दूसरे पैरा के आधार पर बाल गोविंद भगत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये दूसरा पैरा आपका ये है, यहाँ पर बाल गोविंद भगत के बारे में लिखा गया है, तो इसके आधार पर आप बाल गोविंद भगत के बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो यहीं पर लिखा है। तो चलिए पहले यहां से शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो यहां से शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत गृहस्थ हैं, किसान हैं, सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी हैं, क्योंकि लोभ, लालच और स्वार्थ से रहित इंसान हैं। सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों पे, आडंबर और पाखंड पर वे प्रहार करते हैं, इसलिए बाल गोविंद भगत मानवीयता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। तो अगर आप, मैंने अभी जो ये उत्तर पढ़ा है उसको ध्यान से सुनेंगे और उसी तरह से लिखेंगे तो आपका उत्तर तीन भी तैयार हो जाएगा। ये इसी अंश में से लिया गया है। अब चलते हैं उत्तर चार की तरफ। प्रश्न चार क्या है पहले वे पढ़ लेते हैं। प्रश्न चार आपका है,
ये एक गतिविधि है, ये एक एक्टिविटी आपको दी गई है। अपने संस्मरण के आधार पर, मतलब अपनी याद के आधार पर किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बेसिकली आपको एक रेखा चित्र का सैंपल बनाने को यहाँ पर कहा गया है। आपको कहा गया है कि आप ऐसे शब्द यूज कीजिए जिससे आप किसी व्यक्ति या किसी दृश्य या किसी घटना का वर्णन कर सकते हैं। तो आप बैठिए और सोचिए कि आप ऐसे क्या व्यक्ति है या ऐसा क्या दृश्य है या कोई ऐसी क्या घटना है जिसका आप वर्णन करना चाहेंगे। हमने भी एक रेखा चित्र इस तरह से लिखने की कोशिश की है, वो आपको हम सैंपल की तरह दिखा देंगे। वो एक सैंपल है, आप उसे लिख सकते हैं, लेकिन साथ ही उससे भी आप सीख कर अपना एक रेखा चित्र भी लिख सकते हैं। तो अपने संस्मरण के आधार पर आप किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन भी कर सकते हैं। आप वो सैंपल देख लीजिए और उसके बाद अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी और अगर आप आने वाली वर्कशीट्स की भी इमीडिएट नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।